भैया 11 तारीख को जब मैं शाम को काम पे से आया तो मैंने पाया मेरा बच्चा यहाँ पे परेशान है, दर्द से कराह रहा है। मैंने पूछा, मेरे पूछने पे उसने बताया मेरे को कि पापा आज मेरे को स्कूल में बच्चों ने मारा। तो उसकी ये देख के फिर मैंने घर में भी पता किया तो वाइफ ने मेरे को बताई, तो फिर मैं उसको दीपचंद बंधु हॉस्पिटल ले गया। वहाँ पर मैंने उसके पैर का वो दिखाया तो उन्होंने पेन किलर मेडिसिन वगैरह देकर और ऑर्थो में रेफ़र कर दिया और बोल दिया कि ऑर्थो हमारा 2-3 दिन के लिए बंद है, आप ऐसा करिए कि 2-3 दिन बाद आ जाइए या फिर जब तक ये दवाई खिलाइए सही हो जाएगा। तो मैं उनके पास गया, उन्होंने इसके पट्टी वगैरह की और मेडिसिन वगैरह दे दी, लेकिन उनकी दवाई खाने के बाद तो फिर बच्चे ने खाना भी नहीं खाना छोड़ दिया। धीरे धीरे करके सेब काट के दे रहे हैं या कुछ भी खिला रहे हैं, वो खा ही नहीं रहा था। मैं वहाँ पर लेके गया, उन्होंने सेम मेरे से वही सवाल किया कि ऑर्थो तो हमारा बंद है। मैंने बोला ऑर्थो हमारा बंद है, आप ऐसा करिए इसको हिंदू राव लेके जाइए। मैंने बोला सर ऑर्थो आपका बंद है, ये बच्चा पेन से करा रहा है, आप कुछ तो ऐसा करिए कि ये सही हो जाए। तो इस पर उन्होंने ड्रिप लगाई उसके, उससे थोड़ा बच्चा रिलीफ में ये 20 तारीख आया की बात है। 20 तारीख की। और जैसे ही वो ख़त्म हुई उन्होंने फिर दोबारा एक एनएस की बोतल लगाई, वो एनएस की बोतल लगाते ही बच्चा ऑन द स्पॉट एक्सपायर कर गया। स्कूल में भैया जी मैं कम से कम 3 से 4 बार जा चुका हूँ, जिसमें 2-3 बार तो मेरे को साथ अभद्र व्यवहार किया गया एक तरीके से। ना मेरे को प्रिंसिपल साहब से मिलने दिया गया, ना एक दो बार मेरे को प्रिंसिपल साहब मिले। बच्चों से पता गया तो वहाँ पर मेरी बच्चे की क्लास के 2 बच्चों ने बताया कि हाँ अंकल जी आपके बच्चे के साथ मार पिटाई हुई थी। उस दिन प्रिंसिपल ने मेरे को ये कह के भगा दिया कि वो बच्चे तो झूठ बोल रहे हैं, अगर स्कूल में कैमरे वगैरह सब प्रॉपरली होते, मैं जाके अगर देखता, मेरे को पता लगता तो मैं भी आपको बता देता कि मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ है। कारण कारण ही तो ढूंढना है सर। सर स्कूल में सेफ्टी के नाम पे कोई भी चीज़ नहीं है। एक तरफ तो सरकार दावा कर रही है मॉडल एजुकेशन मॉडल एजुकेशन, इनसे बातचीत करके सर मैं क्या करूँगा। एक गरीब आदमी या तो काम धंधे की ओर फोकस कर सकता है या फिर इन लोगों से बात कर सकता है, और हम लोग अगर इनसे बात भी कर लेते हैं तो हमारी बात दबा दी जाती है सर जी। हम सिर्फ सीएम केजरीवाल के ऊपर एक अपना फूल जैसे बच्चे को स्कूल भेजते हैं, क्या सिर्फ इसलिए कि हमारा बच्चा वहाँ से इस तरीके से वापस आए। सर नाखुश मैं दोनों चीज़ों से हूँ, स्कूल से भी और अस्पताल से भी। सर मैं मुख्यमंत्री जी से यही कहूंगी कि जो स्कूल में आज हो रहा है ना, आप स्कूल नहीं चला रहे हो, आप तो एक प्लानिंग बना रहे हो कि कल के उगते हुए सूरज को डुबा रहे हो। आपने तो जानबूझ के, मुझे नहीं लगता कि गलती हो सकती है, एक बच्चे के साथ गलती हो रही है, दो सके हर तीसरे दिन यूं न्यूज आ रही है। और ये मुख्यमंत्री जी आराम से देख रहे होंगे क्योंकि वो तो छोटी छोटी न्यूज देखते हैं, तो ये तो न्यूज बड़ी है। उनको ये समझ लीजिए एक माँ पे क्या बीतरी, अगली बार उनसे ये कहना वो जान में साजिश करके ना दिल्ली को दिल्ली नहीं रहने दे रहे, कब्रिस्तान बना रहे हैं। कल के बच्चे जो हमारे पैदा हो रहे हैं, हम उनको भविष्य दिखा रहे हैं हमारी आंखों में उनके लिए कि वो आर्मी में जाए। मेरा बेटा था, कहता था मम्मी मैं आर्मी में जाऊंगा। तो एक तरीके से देश ने एक अपना जवान खो दिया, जो आज मेरा 12 साल का लड़का था, कल को 25 साल का होता तो वो जाता, खो दिया। ऐसे मैंने नहीं, बहुत ही माओं ने खोए हैं। और भाई केजरीवाल सर से मैं कहना चाहती हूँ, ये कब्रिस्तान है और ये मत चलाओ, ये इसका हमने तो गैंग अपना बच्चा गैंग खोल बना दिया, ये स्कूल नहीं बना रखा। क्योंकि स्कूल में सुधार होते हैं सब कुछ। आप बताइए कि जब पूरी दिल्ली में कैमरे की तुम कर रहे हो, औरतों की हिफाजत करने की कर रहे हो, अरे तुम बच्चों की नहीं हिफाजत कर पा रहे। जो कल आज के खिलने कल के खिलने वाले फूल हैं, वो हमारे भविष्य हमारा हम पे डिपेंड करता है। कल दिल्ली वो चलाएंगे ना कि आप चलाओगे दिल्ली, लेकिन आप उन्हें खिलने नहीं दे रहे हो। आप ही को हुक्म करना है तो हमें बता दो, हम उनको वैसे ही मार देते अपने घर में, ताकि हमें खुशी तो रहेगी। भाई मेरे बच्चे के साथ बहुत बुरा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा, और मैं नहीं भूल सकती अपने बच्चे का गम। मैं इतना ही कहूँगी केजरीवाल सर, मुझे आपकी कोई भी सुविधा नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी आपसे फ्री नहीं चाहिए, बस मेरा बच्चा दे दो। जैसे मैंने स्कूल भेजा था ना, मुझे मेरे घर पे ला के मेरा बच्चा दे दो, बस जो मैंने वोट दिया था ना।
तो मैं उसी की कीमत मांग रही हूँ आपसे, हाथ जोड़ के मांग रही हूँ, मेरे वोट की कीमत दे दो। आपने हाथ जोड़ के मेरे घर पे आके वोट मांगा था ना, तो आज मेरी इतनी सी कर दो, मेरा बच्चा दे दो भाई, मैं नहीं जी सकती उसके बिना, मेरा बच्चा दे दो। मेरा बच्चा ले लिया दिल्ली सरकार के स्कूल ने।